अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत सी एक फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। नेट और सिल्क का कपड़ा यूज़ करेंगे। ये मेरे पास नेट पड़ी है जिसकी विड्थ 23 इंचेस है और जो लेंथ है वो तकरीबन इसकी 10 इंचेस है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको, ये तकरीबन 4 पीस है। देखिए, दो ऊपर नेट के हैं और दो नीचे हैं। इस तरह आपने कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। तकरीबन 1.5 टू 2 मीटर्स कपड़ा आपको इस फ्रॉक को बनाने के लिए चाहिए होगा नेट का, और इसी तरह 1.5 मीटर आपको तकरीबन सिल्क चाहिए होगी ब्लू कलर की। ठीक है, अब आपने जिस कमीज़ के साथ इसको नाप करना है आप उसके ऊपर रख के और इसकी आप कटिंग कर लीजिए। ये मेरे पास नेट का फैब्रिक है फ्रेंड्स, पीछे भी नेट लगेगी, आगे भी नेट लगेगी। इसी तरह सिल्क का कपड़ा होगा, वो भी आगे भी लगेगा पीछे भी। तो मैंने तकरीबन 4 पोर्शंस बनाने। अब नेट के ये मैं तकरीबन 2 बना रही हूँ, इसी तरह मैं 2 सिल्क के बनाऊँगी। तो अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से बनानी है। बहुत प्यारी लगती है। एक बहुत सी प्लीट्स डालेंगे हम, बीच में हम बहुत सी लेयर्स डालेंगे। तो ऑलरेडी आप हमारी फ्रॉक्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये फ्रॉक भी बहुत अच्छी लगेगी और इजी बहुत है बनाना। अब आप देखिए, ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक है। इस सिल्क को भी फ्रेंड्स आपने डबल करके, ये भी 1.5 मीटर का कपड़ा आप ख़रीद लीजिए क्योंकि हमें और भी चीज़ों के लिए चाहिए होगा। इस तरह मैं इसको डबल करके और रख लूँगी और सेम जो मैंने इसकी कटिंग की है एग्जैक्टली सेम कटिंग ये कर लेनी है क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। जो सिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली वो स्लिप का काम भी देगा। तो अब मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैंने इस सिल्क को काट के मैंने इसके ऊपर नेट का कपड़ा लगाना है और नेट के कपड़े के ऊपर हम लेयर्स लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत फ्रॉक आपकी तैयार हो जाएगी। इसी तरह फ्रेंड्स, ये मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ऑलरेडी आपने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी सीख लिया होगा आपने ये कटिंग किस तरह की जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 2 पीस तैयार हो चुके हैं। इस तरह फ्रेंड्स, अब हम एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक लेंगे। ठीक है, मैं आपको इसकी विड्थ और लेंथ बता देती हूँ। अगर हम इसकी विड्थ करें तो तकरीबन मेरे पास 35 इंचेस आ रही है और अगर हम इसकी विड्थ करें तो 18 आ रही है मेरे पास। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 18 है और इसकी विड्थ जो है ये भी डबल कपड़ा है मेरे पास। याद रखें, नेट का कपड़ा हमेशा हमने डबल यूज़ करना है। अब आप इसको वी शेप में काट लेंगे। ठीक है, दरमियान से, याद रखिए इट्स अ डबल फैब्रिक ऑफ नेट। इस तरह फ्रेंड्स, आपने इसको वी शेप में काटना है। अब आपने इंची टेप लेके इसमें 5 इंचेस का गैप देके आपने दोबारा वी शेप, यू शेप में इसको काट लेना है। इट्स अ यू शेप, राइट? आप यू शेप अच्छी सी कपड़े पे बना के कपड़े को आप डबल करके रख लीजिए, उसको फिर वी शेप में, यू शेप में काट दीजिए और फिर 5 इंचेस का गैप रख के आपने दोबारा इस तरह की लेयर्स जो है वो कट कर लेनी है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स आपकी लेयर्स तैयार हो चुकी है। ऑलरेडी डबल कपड़ा था, मैं सिर्फ फ्रंट पे बनाऊंगी तो इस तरह मेरे पास तकरीबन 4-4-8 आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, 4 आपने एक साइड पे लगानी है और 4 आपने दूसरी साइड पे लगानी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह फ्रेंड्स आपने इनको काट लेना है। इसकी जो विड्थ है तकरीबन आपके पास आ गई है 5 इंचेस और जो लेंथ है वो आपकी 35 को अगर आप हाफ कर दें तो उतनी आ जाएगी। इस तरह फ्रेंड्स आपने इसको इस तरह आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब जो दूसरे 4 हैं वो हम दूसरी साइड पे रखेंगे और जो ए वाले 4 हैं वो हम इस साइड पे रखेंगे। इस तरह फ्रेंड्स आपने ये कटिंग कर लेनी है। चलें फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास बैक है, बैक का मैंने गोल गला थोड़ा सा काट लिया है और ये मेरे पास फ्रंट है तो फ्रंट का गला मैंने नहीं काटा क्योंकि मैं एक गला खुद बनाऊंगी बुकरम से और बनाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह इसको स्टिच करना है। सबसे पहले तो हम गला तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास बुकरम है, तकरीबन आपके पास ये एक स्क्वायर आ जाता है। इसकी 11 इंचेस विड्थ और 11 ही इंचेस इसकी लेंथ होगी। ठीक है, इसको आपने से डबल फोल्ड करके आपने निशान लगाना है। मैं बिल्कुल गोल गला बनाऊंगी और इसके साथ मैं सिल्क जो है वो कपड़ा यूज़ करूंगी गला बनाने के लिए। इस तरह फ्रेंड्स आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, मैं गोल गला बना रही हूँ क्योंकि हमने गोल गले के ऊपर फ्लावर्स भी लगाने हैं तो मुझे इसलिए गोल गला चाहिए होगा और थोड़ा सा चौड़ा चाहिए होगा। ठीक है, इट शुड बी अ ब्रॉड वन, सो मैं थोड़ा इसको ब्रॉड काट लूँगी।
अब फ्रेंड्स जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ी हुई रह गई है सिल्क की, वो मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, इस तरह हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि बैक पे मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाना, ये मैं फ्रंट गला पहले आपको बनाना सिखा देती हूँ। इसको आपने सिल्क पे रख के, जैसे हम ऊपर से प्रेस करते हैं और प्रेस करके हम गला तैयार कर लेते हैं, वैसा मैंने तैयार कर लेना है। अब हम आ जाते हैं अपनी शर्ट की तरफ। तो आपने जो नेट का फैब्रिक काटा था वो आपने शोल्डर से, सबसे पहले तो आप स्लीव्स को जोड़ दें। ठीक है, सिल्क और जो नेट है उसको हम स्लीव से जोड़ लेते हैं, उसके बाद शोल्डर से जोड़ लेते हैं। पहले आप इनको आपस में अटैच कर लें दोनों पीसेस को, और उसके बाद हम अपनी फ्रॉक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपने इसको किस तरह से स्टिच करना है। चुकी है, और अब मैं आपको फ्रंट बताऊंगी। फ्रंट को आपने अटैच करने से पहले जो नेट का कपड़ा है उसके ऊपर जो आपने लेयर्स बनाई हैं, पहले हम उनको चिपका देंगे। ठीक है, उनको हमने इसके स्टिच कर लेना है। तो उसकी स्टिचिंग आप देख लीजिए कि नेट फैब्रिक को सिल्क के ऊपर चिपकाने से पहले, स्टिच करने से पहले, मैं इसके ऊपर जो लेयर्स मैंने बनाई हैं कपड़े की, नेट की ही, वो मैं इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस साइड वाली आपने इस साइड पर उनका मुँह रखना है, उनका जो फेस है वो इस साइड पर हो, और जो चार उधर लगाएंगे आप उनका फेस जो है वो दूसरी साइड पे हो, तो बीच से एक लेयर बन जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरह आप इसको स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन चार इस साइड पे और चारों साइड पे मैंने लगा दी हैं, और ये बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसके ऊपर सिल्क का कपड़ा रखना है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल फ्रंट साइड पे रख रही हूँ। ठीक है, इसको फिर मैं जब उल्टा करूँगी तो ये वो जो है आपको उसकी सही फेस नज़र आएगा। ठीक है, उसका सही फेस नज़र आएगा। अब सबसे पहले आप इसके स्लीव से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, आई एम एक्चुअली स्टिचिंग इट ऑन फ्रॉम द फ्रंट साइड। देखिए, लेयर्स के ऊपर रखना है आपने। बहुत
बहुत ही तरीके से आपने करनी है ताकि जो लेयर्स हैं वो इसके अंदर ना आ जाए, ठीक है। इनको आपने अलग से करना है ताकि लेयर्स बाहर रहे। ये आप देख सकते हैं, अब मैं इसको सीधा करूँगी। नाउ यू कैन सी दिस इज एक्चुअली द फ्रंट साइड। ये हमारा साइड से स्टिच हो गया है। अब जो लेयर्स हैं उनको आपने इस तरह करना है, ठीक है। इस तरह सेट करने के बाद आप जो गला है उसको आप किस तरह स्टिच करेंगे, ये देख सकते हैं आप कि मैं लेयर्स को किस तरह आधा आधा फोल्ड कर दूंगी, ठीक है। जो इस साइड पे हैं उनको आपने उस साइड पे ही फोल्ड रखना है। अब ये जो वो वाली हैं उसको आपने अंदर साइड पर, इस साइड की भी अंदर साइड पर करना है, तो आपका गला जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स हम इनको जोड़ देते हैं एक नीट लुक देने के लिए। ये देख सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स जो गला मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने इसके साथ अटैच किया है, वो गला सबसे पहले हम इसकी सिल्क वाली जो साइड है उधर लगाएंगे, क्योंकि ये बैक साइड आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके सिल्क के जो इसका जो गला है इसको इसके साथ पहले हम स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद हम इसकी तुरपाई करेंगे। इसी तरह गला तैयार हो चुका है। अब मैं इसको बैक से इसको फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। आपने इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइडों से। ये आपका इस तरह तैयार हो जाएगा। नीचे आपने जो है वो भी पाइपिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं आपके ये गला किस तरह तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमने करना ये है कि ये देखें नीचे जो जगह है इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं ताकि एक नीट लुक आ जाए। बहुत ही प्यारी फ्रॉक आपकी तैयार हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम में। अब हम फ्लावर्स बनाते हैं जो हमने ऊपर लगाने हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो फैब्रिक चाहिए वो आपको थोड़ी सी ये मैंने तकरीबन 5-5 का स्क्वायर ले लिया है, 5 इंचेस का स्क्वायर ले लिया। उसके मैंने सर्कल्स काट ली हैं, 2 सिल्क के काटे हैं, कुछ सिल्क के काटे हैं और कुछ नेट के काटे हैं। आप सिल्क के ऊपर नेट रख के एग्जैक्टली वैसे जिस तरह हमने फ्रॉक के ऊपर सिल्क के ऊपर नेट रख के बनाए थे, इसी तरह हम इनको कट कर लेंगे और इनके हमने तकरीबन 6 से 7 फ्लावर्स बना लेने हैं।
फ्रेंड्स, इसको गर्म करने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो साइड्स होती हैं उनको एक नीट लुक मिल जाती है। ये देख सकते हैं मैं तैयार कर चुकी हूँ उनको। अब मैं फ्रॉक ले लूँगी जो मैंने बनाई है। आप लेयर्स देख सकते हैं इसकी। अब आपने नीचे से भी देखें, आपने इसकी स्टिचिंग कर ली है। इस तरह आपने इन फ्लावर्स को फिर यहाँ पर लगा देना है। आप चाहे तो बीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहे तो आप नहीं भी कर सकते, नहीं भी करना चाहते तो ना करें बेशक। आप कलर आपकी अपनी चॉइस है। फ्लावर्स में सेम कलर के यूज़ कर रही हूँ, ये ज़्यादा डिसेंट लगेगा। जिस तरह बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो ये मैं अपनी नीस के लिए बना रही हूँ जिसकी बर्थडे पे ब्लू कलर की थीम रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।